हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक मेरा ऐसा है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आप किसी से भी पूछिए, कुछ भी करिए, हर यूट्यूब चैनल, हर गूगल पे, मतलब हर जगह इसकी बात चल रही है। और वो है कि ओनियन शैम्पू की। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ओनियन शैम्पू की। आपने हर जगह देखा होगा इस समय ओनियन शैम्पू एंड ओनियन ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कैसे क्या करना है, क्योंकि मार्केट से अगर आप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि अभी कुछ कंपनियों ने इसे लॉन्च किया है, नया नया लॉन्च किया है, और काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव तो है ही, लेकिन अगर आप उस चीज़ को 100% नेचुरल तरीके से अपनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि प्याज आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके डैंड्रफ को रोकता है, स्कैल्प की जितनी भी इरिटेशन होती है उसे दूर करता है, मतलब हर तरह से काफ़ी अच्छा है। इवन अगर आपको गंजापन भी है तो उसे भी ये दूर करता है। तो प्याज के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं काफ़ी इफेक्टिव हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर अफोर्ड भी कर सकते हैं तो वो फिर भी 100% नेचुरल उसमें जाना चाहते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आप किस तरह से घर में प्याज का शैम्पू बनाएं, और प्याज के ऑयल बहुत ही जल्दी आएगा। मैंने एक बहुत अच्छा ऑयल आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है 100% नेचुरल तरीके से। लेकिन आप अगर सच में अपने बालों को बहुत ही हेल्दियर वे में लंबा करना चाहते हैं, यानी पतले वतले नहीं कि आप बस लंबे करते जाइए वो पतले नीचे से होते चले जाए, जी नहीं, अगर आप सच में हेल्दियर और स्ट्रांग वे में अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं और गंजापन दूर करना चाहते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये जो शैम्पू आज मैं बताने वाली हूँ आप ही के लिए है। और कुछ भी नहीं करना है, जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उसी से इसे बनाना है। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्याज के जो भी स्मेल है वो काफ़ी इरिटेशन, मतलब हमें पूरा दिन रहता है कि अजीब सा प्याज की स्मेल रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी कि अगर आप उसमें वो चीज़ डालेंगे, चिंता मत करिए, मैं बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए क्या। अगर मैं नेचुरल और होममेड चीज़ें बता रही हूँ तो फुली होममेड चीज़ें ही आपको बताऊंगी, आपको खुद भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको कुछ भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो एक रेड कलर का नीचे लगा हुआ है उस पर जस्ट प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल, और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन बनी है उसे प्रेस करेंगे तो उससे क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको तुरंत, मतलब एक सेकेंड, हाफ सेकेंड के अंदर ही आपको मिल जाता है कि मैंने ये वीडियो डाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि मैं प्याज को ही क्यों प्रमोट कर रही हूँ आपके हेयर के बढ़ने के लिए, स्कैल्प के इरिटेशन के लिए और डैंड्रफ के लिए। फ्रेंड्स, प्याज में सल्फर की मौजूदगी के कारण जो हमारे स्कैल्प है उसको वो पोषण देती है, जिसकी वजह से बाल बहुत ही हेल्दियर वे में बढ़ना स्टार्ट होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्याज में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें संक्रमण से यानी इरिटेशन से बचाती है, और जितनी भी मतलब कि हमें डैंड्रफ से बचाती है, तो जो बाल लंबे होने का प्रोसेस होता है तो वो उसे रोक नहीं पाती है, जैसे संक्रमण या फिर डैंड्रफ की वजह से भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बालों के बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इनके इन मौजूदगी के कारण प्याज अपने आप में ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, तो उसे अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव है। और बहुत ही जल्दी मैं इसका जो 100% नेचुरल तरीके से आप इसका ऑयल कैसे बनाएं तो अब मैं बताऊंगी आपको इसे यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने जस्ट आपको प्याज इसमें डाल के बताया, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट प्याज हो सके तो छान लीजिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्पून की हेल्प से आपको प्याज अलग कर देना है और शैम्पू ले लेना है। देन कभी भी, क्योंकि जिन्होंने मैं देखा है मेरा वीडियो कि हाउ आई वॉश माई हेयर, कि मैं किस तरह से अपने वालों को वॉश करती हूँ, तो वो जाके वीडियो देखिए, वरना मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ कि कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे मत करिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल होते हैं जो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे जाएंगे। हमेशा शैम्पू को अपने जिस भी बर्तन से आप नहाते हो मग में, उसमें डालिए, उसमें पानी भरिए, उसका झाग बनाइए, देन अप्लाई करिए। तो इस तरह से आपको इस शैम्पू को अप्लाई करना है। कंडीशनर भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने इसमें लेमन यूज किया है, इसलिए इसकी प्याज की कोई भी स्मेल नहीं आने वाली है। और आपको इसे महीने में सिर्फ 2 बार यूज करना है, और ये जो आपने प्याज डाल के शैम्पू रखा है इसे आपको 15 दिन तक स्टोर करना है। किसी भी ऐसी, मतलब जहां पे धूप वूप ना लगे, किसी फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, ऐसी जगह रख दीजिए कूल ड्राई प्लेस पे, धूप भी ना लगे, हवा भी ना लगे, तो एक बहुत ही टाइट करके रखिएगा। जस्ट उसे ऐसे ही रखना है तो वो अपना काम कर देगा, और 15 दिन बाद आपको इसे यूज़ करना है। लेकिन इस शैम्पू को आपको सिर्फ महीने में 2 ही बार यूज़ करना है, ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।